नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। आईपीएल 2021 के 24वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स की टीम आमने सामने थी। इस मुकाबले में रोहित शर्मा की टीम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी राजस्थान रॉयल्स की टीम ने मुंबई के खिलाफ 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 171 रन बनाए। राजस्थान की तरफ से संजू सैमसन, जॉस बटलर और निचले क्रम में शिवम दुबे ने शानदार पारियां खेली, जिसकी बदौलत टीम ने 170 का स्कोर पार किया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई के लिए क्विंटन डिकॉक और रोहित शर्मा की जोड़ी ने सधे हुए अंदाज में शुरुआत की। दोनों ने 4 ओवर में 27 रन जोड़ दिए थे और दोनों सधे हुए अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। रोहित शर्मा इस सीजन के दौरान कुछ छोटी पारियां जरूर खेली है, लेकिन बड़ी पारी वो नहीं खेल पाए थे और इस मुकाबले में जिस अंदाज में उन्होंने धीमी शुरुआत की थी, लग रहा था एक बड़ी पारी खेलेंगे। और पारी का 5वां ओवर लेकर आए जयदेव उनादकट की दूसरी गेंद पर रोहित ने एक गगनचुंबी छक्का मारा डीप मिड विकेट के ऊपर। आपको बता दें, उनादकट ने रोहित शर्मा को एक शॉर्ट बॉल डाल दी थी और रोहित शर्मा मानो इसी गेंद का इंतजार कर रहे थे। इस गेंद को उन्होंने डीप मिड विकेट के ऊपर इतनी लंबी छक्के के लिए भेजा जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। आपको बता दें, रोहित शर्मा आईपीएल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीयों की लिस्ट में नंबर एक पर चल रहे हैं। उन्होंने इसी सीजन धोनी के रिकॉर्ड को तोड़कर खुद को नंबर एक पर स्थापित किया है। आपको बता दें, हालांकि रोहित शर्मा एक बार फिर इस मुकाबले में फेल रहे और 17 गेंदों पर 14 रन बनाकर वापस पवेलियन लौट गए। अपनी इस पारी के दौरान वो काफी संघर्ष कर रहे थे और सिर्फ एक ही छक्का पूरी पारी के दौरान लगा पाए। आपको बता दें, पारी के 6ठे ओवर की आखिरी गेंद पर क्रिस मॉरिस ने रोहित शर्मा को चेतन सकारिया के हाथों कैच आउट कराकर चलता किया। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।